हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज है ट्यूसडे, वेनसडे मॉर्निंग, सॉरी आफ्टरनून, 2:30 हो चुके हैं। काम सारा मेरा हो गया है और दोपहर को अभी लंच में बनेगा राइस एंड कढ़ी। कढ़ी बनी हुई है, राइस बनाने हैं, बनाने के राइस भी मैंने रख दिए हैं। और ये है मेरी अमेज़ॉन शॉपिंग हॉल मतलब ये है मेरे अमेज़न शॉपिंग, जो कि कुछ एक सामान आ गया है, 6 आए हैं अभी, हाँ 6 और एक साथ 7 चीज़ें आ गई हैं। बहुत बहुत सारी शॉपिंग की मैंने, बहुत सारी, क्योंकि पूरे घर का मेकओवर करना है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो 6-7 चीज़ें आई हैं, मैं सोच रही ना थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अभी कल जो डिलीवर होगा ना, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ अपना जो शॉपिंग हॉल है वो शेयर कर लूँगी। और फिलहाल चलो दिन को बनाते हैं प्रोडक्टिव। पता नहीं यार क्या होता है कि आज के ना सुबह उठा ही नहीं जा रहा है। आज मैं कितने बजे उठी हूँ, 8:30 के अराउंड उठी हूँ मैं, 8:15 के बजे आसपास। तो पता नहीं उठा ही नहीं जा रहा है सुबह, क्या हो रखा है 2-3 दिन से। और कल सोई थी मैं, 12 बजे सोई थी। फैन चलाऊंगी तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। तो बस सारा काम वाम हुआ है और हैप्पी जन्माष्टमी, आज जन्माष्टमी है। एंड अभी मैं सोचा कुछ थोड़ा सा प्रोडक्टिव बना लें दिन को, और एनर्जी काफ़ी रहती है आजकल, अच्छा लगता है, काफ़ी एनर्जी रहती है, मज़ा आता है आप लोगों से बात करने में, ब्लॉग बनाने में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं जो करूँगी, मैं करूँगी ड्रेसिंग टेबल को क्लीन। बहुत ही गंदा हो रखा है मतलब पूरा ही वो हो रखा है, होच पोच कि घर में बच्चे ना सब ऐसे ही कर रखा है पूरा। तो आज इसको क्लीन करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे सारे को, और कुछ जो डिक्लटर करना है वो करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैं पहनती नहीं हूँ, तो उनको रखने का फ़ायदा क्या है। और एक और चीज़ और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये है वो सारा जो कि मुझे पेंट करना है। तो ये ना जो ग्रीनटी आती है उसके बॉक्स है तीनों गोल्डन, जिसमें कि मैं पहले अपने वो रखती थी, ड्राई फ्रूट्स रखती थी। तो इनको मैं अभी पेंट करने वाली हूँ। और ये क्वालिटी वॉल्स के डिब्बे हैं, इनको मैंने सोचा चलो शायद ये भी कुछ काम आ जाएंगे, देखते हैं। और ये दो बोतल्स हैं, इनको मैं बनाने वाली हूँ जो ऑयल वाली बोतलें, तो जो किचन में काम आएगी। तो इन सबको करना है पेंट, तो पहले मैं इनको पेंट कर देती हूँ, फिर दूसरे जो काम है वो स्टार्ट करती हूँ, ताकि जब तक मेरा दूसरा काम स्टार्ट करूँगी इनका जो पेंट है वो सूख जाए। तो चलो पहले इन पे मैं स्प्रे कर लेती हूँ। Nobody knows, nobody knows how to find us. It's turning out to be a perfect day. I just wanna leave our normal lives behind us. So let's get lost out here, no one else out here. Find ourselves out here, oh. We could disappear. चलो पेंट का काम तो हो गया, अभी देखते हूँ मेरे राइस का क्या हाल है। राइस यहाँ रखे हैं बनने के लिए, और लंच करके परी को सुला दूंगी मैं, नीरव करेगा स्टडी, उसके बाद परी का उठने के बाद करवाऊंगी उसकी एक दो एक्टिविटी है वो। और चलो ये बन जाते हैं, तब तक मैं अपनी जो कढ़ी है वो निकाल के रख देती हूँ। और सुबह था इडली सांभर, तो इडली बची हुई है, शाम को काम आ जाएगी इवनिंग स्नैक्स में। और आजकल यार भूख बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा लग रही है, पता नहीं मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि नहीं किया, लेकिन भूख बहुत लग रही है। और एक कड़ी पकौड़ा, राइस, शक्कर नहीं है, शक्कर खत्म हो गई, चलो होनी है ऐसे काम चलाइए। और इसमें इसमें है डिश नीरव की नीरव ने बनाया नींबू पानी, और भाई साहब यहाँ रख के यहाँ करो ताकि गिरेगा तो यहाँ इधर के इधर क्लीन हो जाए। तो आज नीरव पिला रहा है हमें नींबू पानी, टेस्टी बनाया है, टेस्ट करवा चुका है। और 30 मिनट में को इसको बनाने में लगे, पहले एक चम्मच वो डाले जरा से नमक, फिर जरा उस पर तक करते एक चम्मच डाला, फिर मैंने देखा टेस्ट अच्छा नहीं है, नींबू ज़्यादा है। मम्मा से 5 मिनट पूछा, मम्मा क्या बनाऊँ क्या करूँ क्या करूँ, कह रही मेरे को नहीं पता, मैं मेरा हमेशा ठीक बनता है, मतलब जो राइस है वो मेरे बन गए हैं, पानी मैंने इनका निकाल दिया है, तो अभी इनका रख देंगे क्योंकि अभी हम फिलहाल नींबू पानी पी रहे हैं, बाद में
खाएंगे थोड़ी सी देर बाद। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मम्मा छोड़ के चली गई, मैं नींबू पानी बना रहा था और ये देखो ये क्या किया मम्मा, छोड़ के चली गई अपना मेकअप करने, मेकअप करने और क्या कर रहे थे ड्रेसिंग टेबल पे, और फिर यहाँ पे ये गिर गया, फिर मैंने आके बचाया। पेंट कर रही हूँ, बताओ मैं तब से पेंट कर रही हूँ, पेंट में लगी हुई, मेरा हाथ भी पेंट करने लगे हैं। जब मैं आके देखा था ना गिरने के बाद, मैंने देखा था मैं ड्रेसिंग टेबल पता नहीं क्या कर रही थी, तो वो तो मैं दिखा रही थी कि ड्रेसिंग टेबल में क्या हाल मचा रखा है बच्चों ने, उसको क्लीन करना है। मैंने किया है, दो बच्चे हैं ना, तो उस बच्ची ने किया, मैं छेड़ता है इस बच्ची, ये बच्चा कुछ नहीं करता, ये सिर्फ अपना क्रीम लगाता है वहाँ पर और कॉम करता है जो कि बाहर ही रखी रहती है, ऑयलिंग क्रीम और कॉम, ये तीन ही यूज करता नीरव, तो नीरव का कोई हाथ नहीं है उसको खराब करने में, सारा हाथ उस बच्ची का है जो वहाँ पे अभी आराम से लेटी हुई है। ये हमारे घर की है शैतान अम्मा, देख लो उसको, ये देखो बस, पता नहीं आज कैसे इतनी शांत फोन में लगी हुई है, बस अब इसको खाना खिला कर सुला देती हूँ फिर इसको पढ़ाएंगे उठने के बाद। और आजकल परी को वैसे भी पढ़ने का शौक चढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ाई लिखाई करती है। हाँ मतलब कलरिंग का कलर करवा दो मम्मा, भैया कुछ पढ़ा दो सिखा दो, है ना बोलती है ना। हाँ क्या क्या बताते तो बताओ ना, क्या बोलती है, क्या पढ़ा क्या पढ़ने के लिए बोलती है। तो ये चलता रहता है हमारे मैडम का। परी परी क्या कर रही है ये, पिल्लू कैसे रखा ऊपर, बदमाश लड़की, भूख लग रही है। और यस सच में बहुत अच्छा बना है नीरव का नींबू पानी, मतलब मैं एक सांस में पी भी गई आधा गिलास, और अब आप क्या करोगे, छानोगे क्या है इसमें, छानने के लिए कुछ है भी, जरा सा हल्का हल्का नींबू का वो है और कुछ भी नहीं, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, उधर 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 उधर, हाँ यहाँ से वहाँ तक करो साफ, फिर तो मैं तो पी रही हूँ अपना सारा, और ये करता रहेगा ड्रामे ड्रामे करना मेरी फितरत है। और नीरव ने की है मेरे साथ चीटिंग, क्योंकि हम दोनों ने एक एक गिलास पानी लिया था, और मैंने जब आधा गिलास अपना फिनिश किया तब नीरव अपना पूरा फिनिश कर चुका था, और फिर यहाँ पर आया ये कि मुझे छानना है, तो मुझे लगा जो पानी से गिलास में है उसी को दोबारा से छानने आए हैं। हाँ, जी नहीं आप दूसरा लेने आए थे, ऐसा नहीं, नो 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 चीटिंग, ऐसा ही था ऐसा ही हुआ बेटा, दो गिलास छानने के बाद उसमें एक गिलास पानी बचा हुआ था, और अब जब तूने अपने गिलास में छाना है तो उसमें एक सिप पानी बचा हुआ था, ठीक है चीटिंग चीटर, यू चीटर, उसमें से परी के लिए छोड़ दे, परी के लिए छोड़ उसमें से, तो परी तो इतना ही फेंक गया था गिलास ना, थोड़ा सा मुझे लो इसका मुझे मुझे, मुझे पिला नहीं, वो परी का आधा गिलास छोड़ो छोड़ो, वो परी का आधा गिलास, वो परी का आधा गिलास, चल जा नीरव, अब इसमें से थोड़ा सा मैं पीऊंगी, परी के लिए आधा गिलास छोड़ दूंगी, और ये अपने हिस्से का कितना गिलास पिया तूने, ओ मम्मा कितने मिनट चीट रहे हैं, नहीं पानी नहीं। ये तो एक गिलास बना, मैंने एक गिलास ही पिया था, और आप मम्मा ज्यादा पी चुकी हो, जी नहीं, नो 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 नो, एक सेकंड एक सेकंड, अरे नो नो, परी पी के दिखाएगी अब सबको, अरे नींबू पानी, हाँ जूस है, जूस जूस स्ट्रो दो भाई, स्ट्रो दो, स्ट्रो से पिएगी परी, इसमें है इसमें इसमें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, हाँ हाँ ऐसे ऐसे ही दे रही हैं, कैसे कैसे ऐसे ऐसे, परी को ऐसे ऐसे चाहिए, समझ गए ऐसे ऐसे क्या होता है, मैं बताता हूँ, रुको हटो, स्ट्रो होता है ऐसे ऐसे, लो आओ पियो, रुको पहले आप परी ऐसे पूछते हैं कैसा बना,
पर हुई है ना, भैया ने बनाया है। कैसा बनाया है? यम्मी यम्मी बनाया ना, देखो मम्मा पूरा पी गई। यम्मी यम्मी बनाया, रुको 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 ना, पहले बताओ सबको यम्मी बना क्या। पी भी रही है और बोल रही गंदा। सोने की मुझे डराने के लिए कि मैं सोई क्या था। हाँ कि फिर मम्मा को डराता है ना। और मैं तो खैर वैसे भी डर गई थी। और ये देखो भाई बहन का प्यार देखो। नीरव ब्लाइंड फोल्ड मंगवा रहे हैं और मैंने मंगवाई नहीं, भी तो बार बार कह रहा है कि मंगवा दो, तो मंगवाई नहीं। तो भाई साहब ने स्टडी करनी है और उसकी आँखों में रोशनी ना लगे इसके लिए। उठेगी तो मेरे को सुनाना पड़ेगा, मम्मा को तो कोई मतलब नहीं। हाँ दिन में नीरव की ड्यूटी है, घर पे रहेंगे बच्चे, कुछ तो काम करेंगे ना, अपने छोटे बहन भाई को नहीं संभाल सकते। 9 ईयर का डिफरेंस है, किस लिए इतना सारा डिफरेंस है? हमारे बाद आपको ही केयर करनी है इसकी, आपकी बेटी नहीं है। जब तक हम हैं उसके बाद तो आप ही करोगे ना। नहीं, 9 ईयर का डिफरेंस है, ऐसे कैसे बड़ी हो जाएगी वो, आपसे तो छोटी रहेगी ना हमेशा। नहीं करोगे? ओ ये तो कह रहे हो आप, मैं क्यों करूँगा, बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी, बाप इतनी देरी तो मैं ऐसे देखभाल करूँ। और क्या, बड़े तो हमेशा बड़े ही रहते हैं। इसलिए मेरे पॉकेट मनी है सारी, तू ले ले। नहीं आप फिर कमाने लगोगे तो आप कहोगे ले बहन मेरी सैलरी में से तेरी पॉकेट मनी है। इसके तो करेगी नहीं, मतलब आपको कोई प्यार नहीं, आपकी आपको अपनी बहन से कोई प्यार नहीं है? है कि नहीं है? है। तो अपनी बहन को पॉकेट मनी नहीं दे सकता? बड़ी जाएगी, पैसे कुछ कमा लेगी। फिर बात ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ भी करेगी आपका सपोर्ट तो होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी वो पैसे कमाने लग गई, जॉब करने लगी तो आपका सपोर्ट नहीं रहेगा उसको। तो सपोर्ट से नहीं रहेगा, और वो कभी आपसे मांगेगी तो आप नहीं दोगे? तो दूंगा। हाय राम नीरव,
मतलब तू अपनी बहन के बारे में ऐसे सोचता है? क्या सोचता हूं कि तू अपनी सारी सैलरी उसी को देता रहूंगा? हाय हाय, मुझे तो लगा था तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। हैं, अरे बोल दे दूंगा ये तो ना, वो बोल जाएगी तो मेरे को भी तो सपने हैं, मेरे को भी तो सपने हैं, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं। तो ऐसे होता है, आपका आपके बहन है तो उसका पूरा राइट है आपके पैसों पे, आपके सब चीजों पे, आप पे। अच्छा, और क्या, ऐसे ही उसका है, ऐसे ही तो होते रिलेशन। ये थोड़े होता कि आप अपने बारे में सोचोगे। वेरी बैड नहीं रहा, मैंने कहा पहले से जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं नहीं आऊंगा इसके पास। जब उसको जरूरत पड़ेगी तो उसके पास होगा कि नहीं होगा? होगा, अगर होगी तो होगा, वरना नहीं होगा। आई नो, तू बहुत पार करता है उससे। चलो कर लो स्टडी। इतनी सारी लाइट ऑन करनी पड़ती है, और मैं पहले पी रही हूँ चाय, उसके बाद करेंगे हम ड्रेसिंग टेबल को क्लीन। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक बिछा लिया है चद्दर, और जो सारा सामान है मैं वो एक बार इस पर निकाल के रख दूंगी, और उसके बाद उसको डीक्लटर करके रीऑर्गेनाइज करेंगे। तो पहले चाय पीने में ठंडी हो रही है, उसके बाद हम काम है जो शुरू करते हैं। पसंद आता है तो प्लीज से लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को प्लीज। लो इसका देखो, आई नो कि आप लोग समझ गए होंगे परी ने क्या बोला है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये बोला है, साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो अब तो बहुत टाइम हो गया, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परी क्या बोलती है। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।